हे माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का टॉपिक, इंस्पेक्टर्स। ठीक है, अभी आपने मेरी पिछली वीडियोस में देख लिया होगा ना कि हम फिक्सेशन ऑफ कॉम्पनसेशन कर चुके हैं। अब हमारा आ रहा है कि जो एक मिनिमम वेजेस फिक्स हम कर देते हैं एक्ट के थ्रू, एम्प्लॉयर और स्टेट लेजिस्लेशन और स्टेट रूल्स अगर कुछ हैं रिगार्डिंग द मिनिमम वेजेस, वो फिक्स हैं। अब एम्प्लॉयर दे रहा है नहीं दे रहा है, या कोई वर्कमैन एग्रीव्ड है नहीं एग्रीव्ड है, इसकी जिम्मेदारी कोर्ट्स पे तो नहीं होनी चाहिए आर्म डिस्प्यूट्स की तरह, बिकॉज लेबर इज़ नॉट एबल टू परस्यू दीज मैटर्स इन द कोर्ट्स, पॉसिबल नहीं है उसके लिए। तो ग्रीवेंस को इवन कमिश्नर के पास जाने से रोकने के लिए, क्योंकि क्लेम भी तो कोई सुनेगा ना, कोर्ट के पास नहीं है पावर लेबर के वेजेस से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को फर्स्ट हैंड ओरिजिनल ज्यूडिक्शन में सुनने की। लेकिन उस अथॉरिटी से जाने से पहले भी तो कोई मशीनरी मैकेनिज्म होना चाहिए वो ये चेक कर सके कि वेदर द मिनिमम वेजेस आर गिवन और नॉट, वेदर द रिकॉर्ड्स आर एक्चुअल कंप्लीट और नॉट, और सम एम्बिग्यूटी इज देयर, सम फ्रॉड इज देयर, और सम मिसरिप्रेजेंटेशन इज देयर, और सम फैक्ट्स आर हाइडिंग बाय द एम्प्लॉयर रिगार्डिंग द मिनिमम वेजेस। ठीक है, तो जो ये इंस्पेक्टर्स होते हैं ना, हाँ हम इसको इंस्पेक्टर्स ही कह देते हैं ना, मतलब एक से ज़्यादा इंस्पेक्टर जो होता है ना, वो पर्सन अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी स्टेट अपने इंस्पेक्टर लगा देगी, सेंटर भी इंस्पेक्टर्स जो एरियाज होते हैं जहाँ सेंट्रल लेजिस्लेशन अप्लाई होती है वहाँ लग जाएंगे। तो कोई भी इंस्पेक्टर, जो भी प्रोसेस है, इसमें प्रोसेस नहीं बता रखी, ना ही उनका ये बता रखा क्वालिफिकेशन द हु विल बी द इंस्पेक्टर, बट जो भी इंस्पेक्टर है जो अपॉइंट करे जाते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, उनका एक्ट क्या होता है? तो सेक्शन 19 इज डीलिंग विद रेदर पावर एंड फंक्शन, यानी के जो जो इंस्पेक्टर हैं इनकी पावर फंक्शन क्या है, वो क्या करते हैं। तो देखो, कोई भी इंस्पेक्टर ना, आप इसको एज ए कॉमन सेंस भी देखो कि अगर लेबर इंस्पेक्टर लगा रखा है, लेबर क्लास की प्रॉब्लम रिगार्डिंग वेजेस कोई है, तो वो क्या करेगा? तो उसका सबसे पहला जो वर्क होगा ना, वो क्या रहेगा कि वो एंटर कर सकता है, एंटर इनटू द प्रीमाइसेस। कौन सी प्रीमाइसेस? फैक्ट्री है, कोई भी यूनिट लगी हुई है, कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे जो वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस ट्रेड चल रहा है और वेजेस को चेक करना चाह रहा है, इधर कोई कंप्लेंट है और उसका रूटीन वो जा रहा है उसमें, तो वो एंटर कर सकता है इन द प्रीमाइसेस ऑफ द वर्क प्लेस जहाँ पे वो काम चल रहा है। तो यानी टू एंटर की पावर है, टू एंटर, एंटर खुद करेगा, और इसमें लिख रखा है विद एनी अदर पर्सन, और वो पर्सन कौन होना चाहिए? कोई भी ये पर्सन जो है वो पब्लिक ऑफिसर हो सकता है, कोई भी पर्सन जो है वो ऑथोराइज होने चाहिए। ऑथोराइज्ड इसका मतलब क्या है? जो इसकी हेल्प के लिए वो अपने साथ, जैसे फॉर एग्जांपल उसको ये लग रहा है कि एंट्री नहीं होने दे रहे फैक्ट्री वाले, या कुछ और चक्कर कर रहे हैं, तो वो किसी पुलिस ऑफिसर को साथ लेके जा सकता है, फोर्सफुल एंट्री करनी पड़ेगी, वो गेट ही नहीं ओपन कर रहे, इस तरीके से। ठीक है, तो वो खुद और या अपने साथ किसी भी पर्सन को जो असर्टेंड पर्सन है, जो ऑथोराइज हैं, उनके साथ जाने के लिए, ऐसे नहीं रैंडम किसी को नहीं, कोई कनेक्टेड पर्सन होना चाहिए, उसके साथ वो एंटर कर सकता है। एंटर करने का पर्पज़ क्या है? प्रीमाइसेस को चेक करना, इसका मतलब है जब भी वो वहाँ जाएगा, वो एंट्री करेगा, तो और वो क्या कर सकता है? वो इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, वो इंक्वायरी करेगा, वो चेक करेगा। इसका मतलब क्या है? इंक्वायरी कर सकता है, इंक्वायर अबाउट, राइट, जो भी वहाँ पे वर्कर्स हैं, हाउ मेनी वर्कर्स, व्हाट दे आर डूइंग, क्लास ऑफ वर्कर, एंड इंक्वायर कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है। तो उनसे इंक्वायर अबाउट एंड एग्जामिन, इसका मतलब क्या है? ये जो इंक्वायर है ये कैसे होएगा? इंक्वायर अबाउट, ये एग्जामिन कर सकता है वर्कर्स को कि
आउट वर्कर्स, कई बार वहाँ पे आउट वर्कर्स भी होते हैं, उनको और क्या एग्जामिन कर सकता है, रिकॉर्ड्स को, कोई रजिस्टर है जहाँ पे पेरोल्स लिखी जाती हैं, कोई नोटिसेस हैं जो देने मैंडेटरी होते हैं अंडर द एक्ट और बाय द रूलिंग्स ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो सारे ये रिकॉर्ड्स, ये रजिस्टर, ये डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब है ये जो सारे क्या हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, उनको वो एग्जामिन कर सकता है विद इन द प्रमाइसेस, इंक्वायर कर सकता है रिगार्डिंग दैट। उसके अलावा वो इंफॉर्मेशन ले सकता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसका ये पावर है कि वो जब उसमें एंटर करेगा तो वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा। अब देखा जाए तो ये जो मैंने इंक्वायर अबाउट लिखा है तो ये कर रहा है ये दोनों प्रोसेस से, इंक्वायरी करना ना उसका पर्पस है। यहाँ पे इंक्वायरी का मतलब वो इंक्वायरी, हम ऐसा सच नहीं कह सकते कि वो सिर्फ इंक्वायरी करने आए, बट देखा जाए तो जब वो एग्जामिन कर रहा है इन रिकॉर्ड्स को, जब वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है फ्रॉम वर्कर, ये जो मैंने ये बताया था, ठीक है ना, वहाँ पे जो वर्कर हैं, आउट वर्कर्स हैं, क्लास ऑफ वर्कर्स हैं, जैसे कि मान लो वो ये देखेगा कितने यहाँ पे एडल्ट काम कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे कितने काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे तो काम नहीं कर रहे, अप्रेंटिसेस कितने हैं, कितने स्किल्ड लेबर है, कितनी अनस्किल्ड लेबर है, या कितने तरह के सुपरवाइज़र हैं या कोई और तरह के पर्सन है वहाँ पे जो, या फिर जो डेली बेसिस पे आ रहे हैं आउट वर्कर्स हैं, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, एग्जामिन करेगा। क्योंकि जब वो रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स को एग्जामिन कर रहा है, नोटिस को, तो वो क्या देखना चाह रहा है, वेदर द वेजेस आर पेइंग एट अ रेगुलर पैटर्न एंड वट एवर फिक्स बाय द गवर्नमेंट और फिक्स बाय द अबाइडिंग बाय द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, फिक्स बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो कह रहा है ना कि अब देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया था आपको कि रिकॉर्ड्स में 10,000 है, लेकिन जब उसने वर्कर से इंफॉर्मेशन गैदर की तो उसको ये पता चल रहा है कि साइन 10,000 पे कराते हैं लेकिन हमको देते 8,000 है या 7,000 है। इसका मतलब क्या है, 3,000 दे ही नहीं रहे, तो इसका मतलब जो मिनिमम वेजेस फिक्स है उससे लेस अमाउंट पे हो रही है लेकिन रिकॉर्ड्स में कुछ और है। तो वो रिकॉर्ड्स प्लस में इंफॉर्मेशन बाय द वर्कर्स गैदर करके ये इंक्वायरी है वो करेगा। उसके अलावा वो क्या कर सकता है, सीजर, यानी यहाँ पे वो सर्च वर्च कर सकता है, फिर देन सीजर कर सकता है द रिकॉर्ड्स। ये जो अब उसको ये पता चल रहा है यहाँ पे कुछ फ्रेडुलेंट एंट्रीज हो रही हैं, या जो एंट्रीज हैं वो गड़बड़ है, या जो पेमेंट का शेड्यूल है वो गड़बड़ है, या जो नंबर ऑफ वर्कर एक्चुअल काम कर रहे हैं और उसमें मेंशन नहीं कर रखा, तो इसका मतलब है उनको वो कैश पे पेमेंट दे रहा है और बता ही नहीं रहा कि ये मेरे वर्कर है, लेस पेमेंट दे करके काम करा रहा है, राइट। या जैसे कि जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि पूरी जो मिनिमम वेजेस हैं वो रिकॉर्ड में सही बता रहा है, दे नहीं रहा, या कुछ और ऐसा कर रहा है, फॉर एग्जांपल ओवर टाइम है, ओवर टाइम पे नहीं कर रहा, छुट्टी वाले दिन वर्कर्स को बुला रहा है लेकिन उनको एक नॉर्मल सैलरी दे रहा है, ओवर टाइम वाली नहीं दे रहा, जो हमारा सेक्शन 13 भी डील कर रहा है। तो इस तरह की अगर कोई इश्यू होता है तो वो रिकॉर्ड्स को, या तो ओरिजिनल को और कॉपीज ऑफ सच रिकॉर्ड, वो कॉपीज़ को जहाँ पॉसिबल है कॉपी ले, अगर रिकॉर्ड ले जाने पॉसिबल हैं तो रिकॉर्ड ले लेंगे, और नेसेसरी एंड पॉसिबल बहुत, और अगर कॉपीज़ उसको चाहिए तो वो उनकी कॉपी ले जाएगा। एंड अनदर क्या है, एनी अदर, कोई भी और एक्टिविटी, एनी अदर थिंग दैट ही वॉन्ट टू डू, उसको कुछ और भी अगर इननेसेसरी लग रहा है इसके अलावा कि मुझे यहाँ पर ये चेक करना चाहिए, तो वो इंस्पेक्टर चेक करेगा। ये जो इंस्पेक्टर होते हैं ये पब्लिक ऑफिसर होते हैं, राइट। तो ये जो भी इंस्पेक्टर होते हैं ये पब्लिक ऑफिसर होते हैं। दूसरी बात ये है, ये सबसेक्शन 3 है, तो 19 सबसेक्शन 3, और ये सबसेक्शन 1 बताया था, और जो उसकी बता रखी है पावर फंक्शन वो सबसेक्शन 2 में बताया, ठीक है। इसके अलावा ये जिन जिन बंदों से ऐसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है, एग्जामिन कर रहा है, उनसे कुछ जानना चाह रहा है, कॉपीज मांग रहा है, तो दे आर लीगली बाउंड टू गिव, क्योंकि दे आर ऑल बाउंड टू गिव दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें बता रखा है कि सेक्शन 175 एंड 176 ऑफ IPC अंडर, ठीक है।
ये जो हैं लीगली बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इंस्पेक्टर की पावर है। इंस्पेक्टर का काम है टाइम टू टाइम ड्यू इंटरवल्स पे जाकर के रिकॉर्ड्स वगैरह को चेक करना, अगर कोई इरेगुलरिटी हो रही है उसको फाइंड आउट करना एंड फर्दर एक्शन लेने के लिए रिकमेंडेशंस देना, प्लस में डॉक्यूमेंट्स को सीज करके अपने साथ ले जाना ताकि उस पर फर्दर जो भी एक्शन है वो लिया जा सके। तो इंस्पेक्टर्स का जो काम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ़ अगर वो डिलीजेंटली इस काम को करते हैं, क्योंकि करप्शन का लेवल आपको पता है, अगर वो डिलीजेंटली करते हैं तो जितने भी एम्प्लॉयर्स की प्रीमाइसेस में कोई भी इस तरह की इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं वो रोकी जा सकती हैं, रिमूव करी जा सकती हैं, एंड एम्प्लॉयर को डर भी होगा कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा और फेक डॉक्यूमेंटेशन करूँगा या मैं हाइड करने की भी कोशिश करूँगा तो इंस्पेक्टर इज़ देयर हु कैन फाइंड आउट, और वो मेरे खिलाफ एक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मेरे पे पेनल्टी लग सकती हैं, मेरी जो ट्रेड है वो बंद हो सकता है या बिजनेस जो भी वो कर रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो इस टॉपिक पे सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।